तो ये चीज़ी वड़ा पाव इतना टेस्टी, रसना का यमी, ये और एक रैप और ये चीज़ पॉकेट। इस वाले ब्लॉग में हम जानेंगे कि आज हम क्यों आए हैं रसना और ये यमी खाने का राज क्या है। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम लोग एक मॉल में आए हैं। ये इस मॉल की लोकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पे हमारे प्यारे रसना को हो गया पूरा एक साल इस आउटलेट को खुले हुए। तो चलिए यहाँ की कुछ डिशेज ट्राई करते हैं, आपको दिखाते हैं कि रसना में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलने, खाने पीने के लिए मिलने वाला है। तो लोग चैनल पर नए चैनल कर दो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना सुपर डुपर हाइपर लाइक। और बिना देरी करते हुए चलिए आउटलेट को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले भैया आपका नाम? मेरा नाम अनुज कुमार है। ठीक है भैया, आप यहाँ पे इस आउटलेट पे कब से हो? मैं ओपनिंग टाइम से हूँ, मुझे 1 ईयर हो गया। मतलब आज आपकी भी एनिवर्सरी है यहाँ पे। तो आज आप हमारे लिए क्या प्रिपेयर कर रहे हो? वैसे हमारे यहाँ तो आपको ड्रिंक्स में चाहिए तो हमारे यहाँ के स्पेशल मॉकटेल है। अच्छा, फूड में चाहिए तो खाने में फूड के भी काफी आइटम है। लेकिन फिलहाल आप हमारे लिए क्या स्पेशल बना रहे हो? आपको ड्रिंक्स में चाहिए तो मैं मॉकटेल सजेस्ट करूंगा। वैसे स्पेशल में तो रसना कूल बज हो गया, बेरी ब्लास्ट है। अच्छा, तो अभी आप हमारे लिए कूल बज बना रहे हो या बेरी ब्लास्ट? मैं बेरी ब्लास्ट बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम बनते हुए देखते हैं। थैंक यू भैया। हाय भैया। हाय। आपका नाम? प्रांजल। अरे सेम नाम। तो आज आपके आउटलेट को पूरा एक साल हो गया भैया है? एक साल हो गया। तो इस एनिवर्सरी पे हमारे व्यूअर्स के लिए क्या स्पेशल है? आज हमने ऑफर निकाला है, मिनिमम परचेज 499 पे 20% ऑफ एंड 299 पे 15% ऑफ। अच्छा, और आपके आउटलेट पे अगर मैं आऊँ तो आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या डेफिनेटली खाना चाहिए? डेफिनेटली खाने को तो बहुत आइटम्स हैं अपने पास, बट आपके सजेशन में सैंडविच है, पास्ता है। अच्छा, मेन्यू तो आपका हमने दिखाया है, बहुत बढ़िया मेन्यू आपका, भरा भरा था, वेज नॉन वेज तो सब बढ़िया है। आप सारे ट्राई करो एक बार, सारे ही ट्राई कर लें। ड्रिंक्स में मॉकटेल्स हैं जो हम लाइव प्रिपेयर करते हैं आपके सामने। ओके, अपने पास शेक्स, प्रीमियम शेक्स हैं। ओके ओके ओके, चलिए तो फिर कुछ ट्राई करते हैं। थैंक यू भैया। तो भाई लोग, अपना जो पूरा ऑर्डर है वो आ चुका है, चीज़ी पॉकेट्स ये रहे। चलिए इसको टेस्ट करके बता देता हूँ। ओए होए 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 होए, ये देख रहे चीज़। मज़ा आ गया। ये इनकी स्पेशलिटी है, चीज़ वाला वड़ा पाव। चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। ओ भाई, पुणे याद आ गया मुझे,
9 बजे। तीसरा आइटम चीजी रैप। ओहो, सारी डिशेज ना इतनी जोरदार है, इतनी जोरदार है क्या बताऊँ। अब ये है जीरा लेमनेड। ओए होए होए, तो जो लोग थोड़ा खट्टे मीठे के शौकीन हैं उनके लिए ये सबसे परफेक्ट है। और भैया ने हमें सजेस्ट भी किया था, प्रांजल भैया ने, कि इसे डेफिनेटली ट्राई करना। लेकिन एज यू ऑल नो कि मैं थोड़ा स्वीट टूथ हूँ, तो बेरी ब्लास्ट के लिए मैं बहुत डियरली इंतज़ार कर रहा था। हाय 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 हाय, मज़ा आ गया, पैसा वसूल है। मेरे अगर जो लोग मीठे के शौकीन हैं, बेरी ब्लास्ट इज योर गुड टू गो। लेकिन अगर आपको थोड़ा खट्टा मीठा पसंद है, उस टाइप के शौकीन हो आप, तो ये जीरा लेमनेड आपके लिए। सो आई होप गाइस कि आपने ये मज़ेदार लोग यहाँ तक देखा है। अगर ऐसा हुआ है, इस वीडियो कर दो सुपर डुपर हाइपर लाइक। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल कर दो सब्सक्राइब। और यहाँ आके आप कौन सी डिश खाने वाले हो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा एक मज़ेदार ब्लॉग के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पप्पा मोरिया।